स्किन के रिव्यू है, ठीक है? तो वो है एवलॉन में, इस समय से पैकेज आता है। उमर वो रोए जा रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्यों कर रही है, मम्मा भाई उमर की माँ कुछ ना करे, उमर कहता है सिर्फ उमर को देखो और उमर को प्यार करूँ बस, और कुछ भी नहीं करूँ। तो खैर ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने कम से कम भी 6 महीने से यूज किया है। उसके बाद में स्किन केयर के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज के ऊपर रिव्यू दें तो बिल्कुल वो ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई और उसे यूज करे और उसको कोई नुकसान हो, क्योंकि स्किन आपकी ऐसी चीज है जो डैमेज हो जाए तो उसमें रिकवरी में बहुत सारा टाइम, बहुत सारा आपका पैसा खर्च हो जाता है, टाइम भी वापस नहीं आता और फिर वो पैसा भी वापस नहीं आता। चलिए, तो ये आता है इस तरह के डब्बे में, ठीक है? इस तरह के डब्बे में आता है, ये उमर ने फाड़ दिया और यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से उसको कर दिया। मैंने डब्बा बहुत संभाल संभाल के रखा। पीछे आपको इस तरह का दिया हुआ है ग्लो नरिशिंग, एंटी एक्ने और एंटी एजिंग, ये सब चीजें इनके पास, ये वैरायटी है। एक्ने प्रोन स्किन है मेरी और मैंने एक्ने वाली किट मंगवाई थी, लेकिन उसमें मैंने एक्ने वाला सॉल्यूशन नहीं मंगवाया था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर मैंने जो है वो टोटल 3, 4, 5, 5 प्रोडक्ट मंगाए थे, जिसमें था ये था एवलॉन द ब्यूटीफुल यू फ्लॉलेस ग्लो फेस वॉश, ठीक है? अच्छा, ये फेस वॉश जो है ज्यादा इसका झाग नहीं बनता है, बहुत ज्यादा झाग बनाने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको फेस वॉश के बारे में बताती हूँ कि फेस वॉश अच्छा है, आपको सूट कर रहा है, आप कैसे ये इसको जान सकते हैं। फेस वॉश यूज करने के बाद आपका फेस ड्राई नहीं होगा, एक फ्रेशनेस से आपकी रह जाएगी और ओवर ड्राई या ड्राई स्किन आपकी नहीं होगी, यू फील फ्रेश, ठीक है? फेस वॉश आपको सूट कर रहा है, जानने का सही तरीका ये है। अच्छा, इनके पास एक्ने का मेरा ख्याल में कोई फेस वॉश मेरे ख्याल में नहीं मौजूद है शायद। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया था क्लेरिफाइंग ऑयल क्लिंजर, ऑयल एंड ब्लेमिश कंट्रोल क्लिंजर। मैं कहती हूँ दुनिया का, मुझे जब अभी तक मैंने बहुत सारे यूज किए हैं उसमें मुझे तो ये दुनिया के अगर 10 में से अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँगी तो मैं इसे 9.5 देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा क्लिंजर है। इसे यूज करने के बाद मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ, मेरी स्किन यूथफुल फील करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई है इनके पास वो है इनका, ये है जी माइक्रो, बिल्कुल माइक्रो वाला जो है ना ये स्क्रब है, ठीक है? माइक्रो वाला स्क्रब है और इसका टेक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं भी दिखा सकूँ, इसका टेक्सचर जो है ऑलमोस्ट पानी की तरह है, मैं नहीं दिखा सकती, फॉरन गिरने लगता है, लेकिन इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल पानी की तरह है, तो मुझे इसमें मज़ा नहीं आया। इनका जो माइक्रोस वाला स्क्रब है वो बिल्कुल मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, क्या पता किसी और को सूट करता हो, किसी और को सूट करे, लेकिन मुझे इसमें मज़ा नहीं आया। उसके बाद फिर इनकी जो ये है जी क्ले मास्क, डीप पोर क्लिंजिंग ट्रीटमेंट, क्ले मास्क भी बहुत अच्छा है। क्ले मास्क लगाने के बाद जब मैं उसको, जब वो ये ड्राई नहीं होता है, पहली बात ये ड्राई नहीं होता है, ठीक है? कुछ इस तरह से इसकी बॉटल दिखती है, सही है, ठीक है? मैंने इतना यूज किया, देखिए चल गया, थोड़ा सा इतना यूज किया कि बेचारा जल्दी से चला जाता है, बहुत जल्दी से ग्रे हो जाता है या तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत जल्दी, ऑयल के साथ इतनी शाइन हो जाती है, इतनी शाइन हो जाती है कि सिर्फ अंडर आई जो है वो मेरी ड्राई है, अंडर आई वाला हिस्सा रह जाता है, बाकी सारा बह जाता है। क्योंकि मैं तो ऐसे ऑन कैमरा आती हूँ तो ही मैं नकाब करती हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा घर में वैसे तो मैं नकाब नहीं करती हूँ, तो और सबसे तो ये होता है। आते हैं उस प्रोडक्ट पे जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा, क्योंकि एक्ने जिनकी है वो इस चीज को डील कर रहे होंगे अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। क्रीम, मॉइस्चराइजर, लोशन, कोई भी चीज आप मुंह पे नहीं लगा सकते हैं अनलेस वो वाटर बेस्ड हो।
इनके पास जो क्लेरिफाइंग क्रीम है, डेली क्रीम फॉर ऑयली एंड एक्ने ऑन स्किन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इतनी बेहतरीन है, जितनी भी एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन वाली खवातीन वहाँ मौजूद है, मर्दज रात वहाँ मौजूद है, उन सबको मैं रेकमेंड करूंगी कि एवलॉन का ये जो क्रीम है ना, जिसका नाम इतना लंबा चौड़ा है, क्लेरिफाइंग क्रीम है वैसे तो उसका नाम, लेकिन असल में ये है डेली क्रीम फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, इतनी बेहतरीन ये स्किन है। स्टॉप करना पड़ेगा।